बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आने वाले दुख तकलीफ को निजात दे। दुआना जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने वाले छोटी अर्जी करते हैं, देखिए हम इस नवे ने जिन्हें सारा साजदा प्रवीण चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भैन भैया को टाइम पर पहुँच सके। अज का जो भी व्लॉग होगा, अभी घर का काम करवा रहे हैं, मेरे भैन भरा ने मिस नहीं करना, प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा वॉच करना और जो भी अजद स्टेटस होगा अपने भैन भरा शेयर करना इन शाला। दुकान वगैरह तो समान वगैरह चखना है, भाई भी अगर बैठे हैं तो सीमेंट वगैरह एक काउंटर है इन शाला, तो इतों समान वगैरह मैं अपना चखना है। जो सीमेंट वगैरह जरूरत होगी, भाई ने मेरी गल हुई थी, वो कहें तुम आ जाना, जो समान चाहिए होगा तुम मिल जाएगा। ख्याल चाल जनाब, तो बेसिया ठीक है? शीक भाई मैं जरा जिम्मे ते काम लाया सी ना, सीमेंट वाला, तो ओदे वास्ते मैं आया सी। ठीक है, सीमेंट असि उत्ते वाला इटा शिटा सारे कोल काफी सारे पियां सी पहले ही, तो सीमेंट रेत वगैरह भी पई सी, सानू सीमेंट चाहिदी सी। मैं तुहानू दस्सिया सी कि सानू सीमेंट सी दे दिओ जी जी, ते जो भी होएगा हिसाब किताब इहदा फिर रेस्ट रेस्ट नाल तुहानू दे ही रखांगे। ठीक है, अब आप ले लें भाई इंशाल्लाह, जैसे आपके पास पैसे आते जाएंगे देते जाना, कोई मसला नहीं। ठीक हो गए जी, बहुत मेहरबानी भाई है जी, मेरे दोस्त भी है ते इना कोनो सी सीमेंट वगैरह आपके पास होंगे दे देना कोई। हां जी, सीमेंट वगैरह चकांगे इना तो, बहुत शुक्रिया जी। ये जो साल टाउन करते पे, ये जी इन्हों का ऑफिस इंशाला, बाहर का रिजल्ट जो है वह भी दिखाने। ठीक है शफीक भाई, तुम हाँ जैसे आपको जरूरत पड़े आप लेते रहे, भी जैसे पैसे आते रहेंगे देते हैं। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बिल तुम बना दो। ठीक है, फिर सू चाहिए 10 बोरियां, तो ये फिर तुम अपने को इंटरव्यू कर लेना, तो दूसरा बिल सू दे देना, तो असं अपने नाल नाल जरा ना अपने को रिकॉर्ड भी रखते रहोंगे, तो रिकॉर्ड पिया रहेगा, फिर जिमें जिमें हिसाब किताब होता रहेगा उस हिसाब में असं तुम पैसे दे रखेंगे। ठीक है लियाकत भाई, ठीक हो गए भैया? ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत मेहरबानी थोड़ी दोनों भाइयों की, तुम इन्ना कंप्रोमाइज किया है। इटा वगैरह भी तकरीबन हर किस्म की होंगे, मोटी इट भी होंगी इन्होंने को, टाइल वगैरह भी होंगी हर किस्म की, टसो वगैरह जो चीज़ जरूरत होंगी इन्होंने को, टोटल हर चीज़ कंप्लीट होंगी है, बजरी वगैरह सीमेंट वगैरह रक्शे वगैरह भी इन्होंने कोल आने, तो डिजाइनिंग वगैरह मुकम्मल इन्होंने को, हर चीज़ जो जरूरत होंगी है वो भी कंप्लीट होंगी है। तो इतों चक्कर लगे जी असी सीमेंट, तो बाकी जो जो समान जरूरत होएगा बाई नाल गल साडी हो गई है, उस हिसाब नाल असी नाल नाल समान चक्की जावांगे तो उत्ते ले जावांगे। टोटल लक्की सीमेंट भी इन्होंने को, हर किस्म की सीमेंट वगैरह हर चीज़ पे, खुला सीमेंट वगैरह भी होंगे, यानी कि जो चीज़ जरूरत होंगी है सारी इस भाई को मिल जानी है, इस वास्ते असं एक भाई पकड़िया ताकि सारे चीज़ा वो तो ही मिल जाए, तो सू परेशानी भी ना हो, सारा काम भी नाल नाल चलता रहे। लोड हो गया जी, हम चलते हैं जी घर लैके, तो समर्थित लाएगा तो असं नाल नाल मोटरसाइकिल, इन्होंने बच्चों फिर मैं ना मोटरसाइकिल जाए। रेत वगैरह भी साड़ी घर पई है जी, तो पई पई खराब हो रही थी, तो फिर इटा वगैरह भी सारिया छाते पे, वह भी असं अपने भैन भैन शेयर करते हैं जी, तो उत्ते तो जो भी काम है वह भी असं अपने भैन भैन शेयर करते हैं। काम क्यों करा रहे हैं उसकी वजह जी सी यही कि पे पे चीज़ा सारिया खराब हो जा रही थी, रेत भी सारी मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो जिमें नेरी हवा आँदी सी उठ जाती सी। मेरे को मेरा एक दोस्त आया सी, तो उसकी दुकान सी सीमेंट की इटा की होर मटीरियल की, उन्हें कहा कि मैं जिन्ना भी समान का होंदा है तुहाडा सीमेंट वगैरह, तो मैं तुहाडे नाल कंप्रोमाइज कर लैना, तुसीं मैनूं आराम नाल पैसे दे रखना, तो सीमेंट वगैरह मैनूं मेरे को चक लो, क्योंकि महंगाई इन्नी ज़्यादा हो गई है, ये सारे रेत हवा दे नाल उड़दी जा रही थी, फिर यही डिसाइड किया असीं कि चलो देखो रेत वगैरह चकवा के तो उत्ते वाला काम शुरू करा लैंदे हां जी। लेके आया मेरा बेटा,
ओए वाह बड़ा चने का शकीन है ज़ुल्कनैन। चलो जी एक काम होने देते जैन दे पापा लेके आए जी सुबह सुबह तवसम ते जैन दे पापा दोनों लेके आए ने सीमेंट। हां दे दसो जैन दे पापा सीमेंट ऊपर लेके जा रहे ने माशाल्लाह जी जिंदगी पहली मरतबा मजदूरी कर रहे ने अल्लाह ताला कामयाब करे बड़ी मुश्किल जा रहे ये देखो जी हाँ भाई ले आओ ले आओ इवें ले आओ ले 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 आओ ले आओ देखो मैं जगह साफ का तो चढ़ फिर के मैं इतने जोर चला के ताकि बारिश भी कभी का कोई पता नहीं बस इतने हेठ उत्ते जोर जाओ गुड हो गया मैं चढ़ के लगा ये पहचान वास्ते रेता काफी ज्यादा गंदी है अल्लाह जी तबसम ते जैन दे पापा रेता चांद दे पेन जी एक मजदूर नाम मैं खुद हो गया जी दोस्त मजदूर तो बस हो गया अच्छी गल है मेहनत करनी चाहिए है चोरी में ना यारी में ना मेहनत च कोई मेरा नहीं दसों मामा दी गल के हक हलाल दी खान दा अपना ही मजा है ताकि बेईमानी विच बिल्कुल कोई फायदा नहीं है जी दसों मामा दी मेहनत है माशाल्लाह जी बच्चे भी देखो ज़ुल्कनैन भी अयान भी दोनों भरा बाहर आके बैठ के साडे कोल माशाल्लाह रेत छान दे पए ने रेत छान छान के हुण काम छा शुरू हो रहा वा जी जैन दे पापा पापा के दे रहे ने और तबसम बेटा जिहड़ा वा छान रहे ने दोनों भी मिल के मेहनत कर रहे ने मेहनत करांगे ते कुछ बनेगा ना बिल्कुल यार मेहनत की तरह काम नहीं बनता ना हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी इंशाल्लाह। मैया साहब खीसापुर अल्लाह ने याद करके जी इब्तिदा की है अल्लाह सोना जरूर बरकत पाएगा अल्लाह जरूर कामयाब करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह अपने सोने हबीब दे सदके गट्टुआ जी रेता पा लिया हम गट्टू उठाने के जिंदगी का पहला वाकया जी मेरे खामद ने अज पहले दिन मेहनत कर रहा है जी मेहनत की है लेकिन इन्नी नहीं कर रहा सी बहुत कम मेहनत कर रहा सी लेकिन यह जो वजन का काम इन्हें को बिल्कुल नहीं होंदा सी अज पहला दिन है कि वजन का काम भी माशाल्लाह कर रहा बहुत अच्छी गल है मैं बहुत खुश हो रही हूँ अल्लाह ताला कामयाब करे मेरे ज़ुल्कनैन का हालात देखो खाना जी पका के उपर लाए थे सारे बच्चे भी सब लोग बैठे खाना खा रहे हैं अज माशाला घर का काम शुरू किया हो दिखाने अपने भैन भरावान जिहड़ा असीं काम घर का शुरू किया मैंने भी तो चप्पा रोटी मैं भी खाना तू बैठे रोटी सालन होर थोड़ी दो फुलके रोटी मिली मैं नहीं बनानी क्यों दे काफी ज्यादा खराब सी अज को तबीयत थोड़ी जी बेहतर आ दवाई वगैरह लगी है इनू दिती है खाने वास्ते मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह भी लगे मेरे ख्याल से हुण तबीयत कुछ बेहतर आ अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे कि दस हूं ठीक है तबीयत कल तो इंशाल्लाह काम की चाल बन जाएगी कल तो काम ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा अच्छा ठीक हो गया बोलो वालेकुम सलाम जो करने की एक्टिंग सुनी क्या चुप पूछो कैसे आप सब तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ क्या आज मैंने गर्मी वाला पहला दिन सूट पहन लिया रोटी जो मैंने खा ली है सालन थोड़ा जिन्ना बच गया वा इंडिया जैन ने निदा ने लीजा ने आना वा स्कूल चो ये खाएंगे बाकी सब बच्चे ने खा ली है कप भी साढ़े को जी आगे बना रहे जी असी चाहे मैं क्या सिलेंडर तो उपर ही बना लेनी है बार बार नीचे नहीं आया जाया जाता
कि मैंने बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है सुबह दी, क्योंकि काफ़ी मरतबा उपर गई हैं आई हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन होया तो थक जानी है बहुत ज़्यादा, नींद ना ज़्यादा उपर आ जा होंगे ना, इस करके मैं चलो उपरी बैठ के खाना खा दें बना के उपर चुक लिया सके नीचे बनाया उपर उठा के लाए उपर बैठ के सबनों खिला के कोल ही फिर मैं सिलेंडर पर चाय रख ली। इधर भी मेरे हस्बैंड श्री भी बैठे ने बहनोई भी बैठे ने मजदूर बैठे ने इधर नहीं नहीं मजदूर अच्छा चल कोई नहीं अपने पेटदार बंदा मजदूर है अपने कोई गल नहीं है अपने करते पे ना कोई मसला नहीं कभी किया नहीं ना तो औखा लग रहा अज इन्हों कहता बहुत ज्यादा थकावट हो गई कोई गल नहीं मजबूरियां ना बड़ा कुछ करवाउंदियां सिर्फ मजबूरी हाँ जी अल्लाह करम करे माशाल्लाह जी काम काफी ज्यादा बेटे ने कर दिता वा अल्लाह पाके ना तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे अज काम माशाल्लाह काफी खिंचा गया इत्थे तक जी द्वार पहुंच गई है पढ़दी जिहड़ी है इन्नी नहीं हो गई है लेकिन हाले फिलहाल काम कर रहे ने घर दे मिस्त्री आ घर दे बंदे ने ते अल्लाह पाके ना मैनूं जज़ा देवे इस चीज़ दी कि अपना काम समझिए कर रहे ने हाले तक लगे हुए ने ते हुण चाय पी के हटे जी फिर दोबारा चाय पिलाई है ते जिवें चाय पी के हटे ने चार दा हुण शाम के खाने वाल हो रही है शाम के खाने का इंतजाम कर रही है तो ये हाले मजीद पड़ती लगा रहे हैं। अच्छा जी इधर दीवार भी ढाने शुरू कर दी सी लेकिन असं क्या पहले इनिया किटा चुक लीए यह भी हेठ चुक के लग जाए फिर आ दीवार भी इन्नी किट गई है जैन बेटा भी इधर मेहनत कर रहा वा। वालेकुम सलाम कभी किया नहीं काम बच्चा ने ना तो लेकिन कोई नहीं करे तो करना आएगा बहुत मेहनत आ बहुत मेहनत का काम आ ऐ मेरे बेटे ने जैन ने आ सारे इटा इन्नी दीवार जैन ने देड़ के इन्ने बार एक दो तीन चार पांच पांच बार उतार के नहीं नहीं एक दो तीन चार पांच छे सात सात बार उतार के जैन ने ये उपर इटा सीटियां हुई हैं नाल सारियां हुण इत्थे बैठ के जैन जिहड़ा वा अपनी कर रहा इटा की सफाई और ए वाले जी कोठे दा आरा वा इत्थे भी पटना शुरू कर दिता वा यह कोठेदारा सीधा करके बराबर करके फिर पटन गए सीमेंट है जो बनया वा यह सीमेंट रह गया बनने वाला खत्म होने वाला यह सारा सीमेंट खत्म करे करके उस तो बाद फिर जो भी होएगा फिर यही मजीद खत्म करे होर नहीं बना टाइम काफ़ी हो गया यह लेट जी पई है इन उत्ते कवर करे इन लगाएंगे फिर उस तो बाद देखी जाएगी और एक ए वाली ढेरी रह गई इट की और या ए वाली ढेरी रह गई इट की सर मैं लगता कि मजीद इट भी मजीद सू मंगवानी पेगी देखो फिर कोशिश तो साड़ी ये कि यही इट नाल काम सारा फाइनल हो जाए नहीं फाइनल होगा तो फिर देखी जाएगी। लो जी जो भी अज का मतलब भी सा अज का ब्लॉग से अपने भैन भाई ने शेयर किया जावे इजाजत मिलेंगे नैक्सट वीडियो अगर मेरे भैन मेरा ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो अपनी दुआवा सू याद रखियो अभी अपने भैन भाई अपनी दुआवा याद रखते हैं अल्लाह पाक मेरे भैन भाई तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे और अल्लाह तला जे बे औलाद ने अल्लाह तआला नेक साली औलाद ता फरमाए अल्लाह सोने दे वाले जी अल्लाह हाफिज़।